एक दूसरी तरफ में बोर्डिंग समझो, गलत नहीं समझना, जमहूरियत मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है, आप कुछ भी बोलो। पहला तो जमहूरियत को जैसे अपने को बचाना है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। क्यों बचाना है, क्या जरूरत है? सबसे मेन डेंजर चीज यह हो गया कि जैसे हिंदुस्तान के खानों को जैसे कुचल दिया जा रहा, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जगह में अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाह रहे हैं वो लोग। जो बेसिक है, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बोला कि चार पांच बेसिक चीज है, क्या? जमहूरियत। सेकंड चीज क्या है? सेक्युलरिज्म, ताकि हर मजहब वाले अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने जो सो प्रेयर कर सकते, अपने अपने मजहब का जो सो लोग फॉलो कर सकते, उसके बारे में कोई जो सो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। Everyone is a citizen of this country and everybody has got equal right to profess and practice his own religion. और जो constitutional guarantees दिए, fundamental rights दिए, fundamental rights का जो है सो implementation करना वो भी basic feature में आता। Directive principles का जो guidelines है, ये सरकार कैसा चलना, क्या करना चाहिए, education को ऐसे क्या करना चाहिए, किसी का जो सो करोड़ों करोड़ों रुपए बढ़ जा रहा, लाखों करोड़ों रुपए बढ़ जा रहा और आम आदमी को जीना मुश्किल हो जा रहा। पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, हर चीज का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का जो सो बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थे, सबको जो सो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा एम्प्लॉयमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, तो आपको रिजर्वेशन मिलने का कहां से चांस है? ये तमाम चीज रहने के बाद में भी बहुत बहुत दुख की बात होता, बहुत जो सो तकलीफ की बात होता। एक जमाने में ऐसे लोग थे कि सिर्फ ईमानदार लोग जो सो पॉलिटिक्स में थे, ईमानदार लोग आजादी का मूवमेंट को लीड कर रहे थे। आजकल क्या है, पूरे बेमान लोग, 90% बेमान लोग, बेमान लोग एमएलए बन रहे, बेमान लोग एमपी बन रहे, बेमान लोगों के हाथ में जैसा गवर्नमेंट चले गए। अरे 40% गवर्नमेंट के साथ है, 40% एमएलए और एमपी क्रिमिनल्स है, वो भी कैसे केसेस, मर्डर केस, डकैती केस, रेप केस, लूटने का, ऐसी केसेस के अंदर है। और वो लोग चाहते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में रहे, वो लोग चाहते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाने में हमारी हाथ रहे। अगर उनकी हाथ में अगर दे दिए, अमित शाह की हाथ में अगर जज को बनाने का अगर चांस मिल गया, तो क्या होगा हिंदुस्तान का फ्यूचर, किधर चले जाता हिंदुस्तान का फ्यूचर? थोड़ा बहुत अभी थोड़ा बहुत जैसे चल रहा, सांस चल रहा अभी थोड़ा बहुत, और उसको भी जैसे गले को बिठाना चाह रहे। तो एक ही एक रिक्वेस्ट है, कभी कभी तकलीफ होता, माफ करना, पढ़े लिखे हैं आप लोग, सोच समझदार है, फिर भी पर्दे के पीछे क्या है वो अपन नहीं देख सक रहे। अरे कौन ईमानदार है, कौन बेमान है, उसको भी आप पहचान नहीं सक रहे, तो किधर जा रहा है हिंदुस्तान, क्या जा रहा है?